हाँ जी दोस्तों, तो अगला सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 4, विच इज ऑन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी सेक्शन है, पर स्किप नहीं करना इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत छोटे छोटे ऐसे ऐसे पार्ट्स हैं इसके अंदर जो कि हम कवर करेंगे, शॉर्ट में नहीं लेके चलेंगे। और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएगा जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। की डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बेसिकली क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह ये आता है, कहीं भी एग्जाम अगर हो इससे रिलेटेड टॉपिक अगर उसमें कवर होगा तो ये वाला टॉपिक जरूर आता है। तो इंपॉर्टेंट एरिया है, बस कहने के लिए इतना ही। तो इसको स्किप नहीं करना, कोशिश करना कि पूरा का पूरा समझ सके आपकी ओवरऑल इसमें अंदर क्या कंटेंट चल रहा है। तो बेसिकली क्या बात करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो आपने पिछले कुछ क्लासेस के अंदर देखा कि एक सेक्शन नंबर 256 आया था, मतलब सेक्शन 2 क्लास 56, जो भी बात कर रहा था मेमोरेंडम के अंदर। तो मेमोरेंडम वर्ड को हम क्या बोलते हैं कि अगर मेमोरेंडम वर्ड है, विच इज अपने आप में इंप्लाइड है कि क्या है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो मेमोरेंडम एसोसिएशन दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। नंबर वन, विच इज ओरिजिनली फ्रेम्ड, मतलब जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो फर्स्ट टाइम जो मैंने मेमोरेंडम बनाया वो, या फिर उसको जो टाइम टू टाइम हमने चेंज किया है, चाहे वो प्रीवियस लॉ के अंदर किया हो चाहे वो करंट वाले लॉ के अंदर किया हो, तो वो भी हमारा मेमोरेंडम ही कहलाता है, ऑल्दो आपने उसके अंदर मॉडिफिकेशन अल्टरेशन करी हो। ठीक है, अब मेमोरेंडम होता क्या है, तो जैसे कि हम कहते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए, जैसे सपोज करो इंडिया के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एक, ठीक है, तो वैसे ही कंपनी के लिए जो उसका मेमोरेंडम है वो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि उनके लिए वो संविधान है कि जो मेमोरेंडम के अंदर बातें तय कर दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी काम करेगी, उसके बियॉन्ड जाके काम नहीं करेगी। तो मेमोरेंडम बेसिकली व्हाट, कि बहुत सारे इसके अंदर क्लॉजेस की चर्चा होती है कि ये चीज उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया था, ये पर्पज के लिए उन्होंने स्टार्ट की थी अपनी कंपनी, अपना बिजनेस, तो वो पर्पज के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, जो जो पावर्स डिफाइन हो गए थे उस पावर के विदिन रह के ही काम करेंगे। इस टाइप की सारी बातें मेमोरेंडम में डील की जाती है, जो कि कंपनी स्टार्ट होते वक्त एक इनकॉर्पोरेट करती है, बेसिकली जिसमें हाथ जिसका होता है प्रमोटर्स का। ठीक है ना, तो क्या कह रहे हैं कि जो ये हमारा मेमोरेंडम है ये बेसिकली क्या है, बेस डॉक्यूमेंट है ये, और बेस डॉक्यूमेंट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी आता है, और एक और टर्म आपने सुना होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसका जस्ट अगला है वो सेक्शन नंबर 5, उसको देखेंगे इसके बाद। तो ये दोनों चीजें जो है बेस डॉक्यूमेंट है, और मेमोरेंडम जो होता है वो बेसिकली एक्सटर्नल पीपल्स के लिए होता है। एक्सटर्नल पीपल्स का मतलब क्या होगा कि हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कोई भी देख सकता है। और ऑब्वियसली बात है, जब सपोज करो कोई इन्वेस्टर है या कोई क्रेडिटर है जो कि हम सर हमारे में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, या कोई क्रेडिटर हमें क्रेडिट देना चाह रहा है, तो वो हमारे मेमोरेंडम को चेक करके पता कर सकता है कि ये कंपनी किस चीज के लिए बनी है, क्या इसके हाव भाव है, कैसा स्ट्रक्चर है, कितने लोग हैं, वगैरह वगैरह। सारी जानकारी वो किसको देख के ले सकता है, मेमोरेंडम को देख के ले सकता है, जो कि हमारी एमसीए की वेबसाइट पे अवेलेबल होती है आउटसाइडर्स के लिए। लेकिन एओए जो होता है वो वहां पे अवेलेबल नहीं होता, मतलब वो इनसाइडर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो इनसाइड मतलब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं काम करने के लिए, उसको बोलते हैं एओए। लेकिन मेमोरेंडम ऐसी डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, जो कि सभी के लिए साझा किया जाता है। ठीक है, अच्छा जी, फिर क्या कहा जा रहा है कि जैसे कि जो भी एग्रीमेंट या जो भी हम कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कोई भी रेजोल्यूशन वगैरह फॉर्म करते हैं, वो ऑब्वियसली बात है किसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो कंपनीज एक 2013 को फॉलो करते हुए करते हैं, तो वैसे ही जो एमओए और एओए भी बनाया जाएगा वो भी किसको कंप्लाई करते हुए बनाया जाएगा, कंपनीज एक 2013 को फॉलो करते हुए बनाया जाएगा। नाउ अब ये कुछ सेक्शन 4 रिक्वायरमेंट्स की बातें करता है, तो रिक्वायरमेंट्स को ना इन्होंने पहले यहाँ पर थोड़ा छोटा पार्ट में दिया हुआ, फिर इसी को एलाबोरेट किया, तो हम जैसा है इसी फॉर्म में लेके चल रहे हैं अभी। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की क्या जरूरत, मतलब मेमोरेंडम के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया है वो क्या है, कि हमें ऑब्जेक्ट रजिस्टर करना पड़ता है कि जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या, पर्पस क्या, उसके अंदर हम किन किन काम को डील करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या डिफाइन करता है, तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है कि हमारा स्कोप क्या होने वाला है, किसके दायरे में रहकर हम काम करने वाले हैं, उसके बियॉन्ड हम काम नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे उसका। ऑब्जेक्टिव और किस लिए जरूरी होता है, कि भैया जो हमारे शेयर होल्डर्स या क्रेडिटर्स हैं जो कि कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उनको भी पता लग सके कि ये कंपनी किस चीज में डील करती है, किस चीज का काम करती है, किस में ये इंगेज्ड है। ठीक है, जो हमारा मेमोरेंडम ऑब्वियसली बात है ये क्या है, हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो कि डिफाइन होता है सेक्शन नंबर 399 के अंदर, सेक्शन 399 बताता है कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अच्छा, अब आप सपोज करो क्रेडिटर हो और आप मेरी कंपनी से काम कर रहे हो, तो क्या मैं आपको अलग से अपनी मेमोरेंडम के बारे में जानकारी दूंगा, नहीं दूंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि अगर आप आउटसाइडर हो, आप क्रेडिटर हो, इन्वेस्टर हो, तो आपको बकायदा पूरी नॉलेज होगी मेरे एमओए के बारे में। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो आप जब मुझसे काम करने आए हो हमारी कंपनी के साथ, तो आप उसको पहले चेक करके आए होंगे। इनकेस कल को आपको कुछ ऐसी चीज पता लगती है जो कि आपको उसका एडवर्स इफेक्ट देगी, तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, ये मानते हुए इसी को हम बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये भी चर्चा आगे आएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बेसिकली यही कहता है कि अगर एमओए के बारे में आपको अवेयरनेस नहीं थी, आपको नॉलेज नहीं थी, तो उससे अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है, कोई भी दिक्कत अराइज होती है आपको, तो उसके लिए आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि कंपनी का जो एमओए होता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, और हम ये मान के चलते हैं कि आपने वो चेक किया हुआ है, आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज है। ठीक है, ओके।
और बेसिकली एक चीज और बताई गई कि शेयर होल्डर वगैरह को भी ये इन्वेस्टर वगैरह को ये पता लगता है कि वो जो इन्वेस्ट करने वाले हैं उन पैसों को कहाँ यूटिलाइज किया होगा, मतलब कहाँ कहाँ उनकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, कहाँ कहाँ उसको लगाने वाले हैं, वो सारी चीजें वहां पे होती हैं। कंपनी जो होती है वो अपने एमओए में जो बातें लिखी हुई है उसके बियॉन्ड जाके या उसके अलग डिफरेंट डायरेक्शन में काम नहीं कर सकती। जो उसके एमओए में चर्चा होगी उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी, वो उसके बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकती। और अगर वो बियॉन्ड जाके काम करती है तो उसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स। ठीक है, अल्ट्रावायर्स मतलब बियॉन्ड दी कैपेसिटी, जो बियॉन्ड दी पावर्स, उसके पावर के बियॉन्ड जाके किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करना उसी को बोलते हैं अल्ट्रावायर्स। और वैसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे या वैसी जो भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी की सारी क्या मानी जाती है, वॉइड, नल एंड वॉइड बेसिकली। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी यहाँ क्लॉज की बात कर रहा है। क्लॉज को ना इसको और आगे अभी डिफाइन किया गया, नेम क्लॉज वगैरह को और डीप में, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को और डीप में बताया गया है। फिलहाल इसकी हल्की सी चर्चा है, हल्की सी चर्चा में देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले बात कर रहा है नेम क्लॉज की, तो नेम क्लॉज बेसिकली क्या बताता है कि किसी भी नाम के अंत में क्या होना चाहिए, लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। फिर आपने पीछे भी क्लास में देखा था क्या कि गवर्नमेंट कंपनी के पास ये जो है ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो चाहे तो इसको नहीं भी यूज करे। और सेम टू सेम मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 8 कंपनी को भी ये परमिशन मिली हुई है कि वो इसको ना भी यूज करे तो चलेगा। अगली बात आती है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में बेसिकली आपको ये मेंशन करना होता है कि जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो किस स्टेट में होगा, किस डोमिसाइल में होगा, कहां पे वो सिचुएटेड है, ताकि वो बेसिकली उसका एक प्रॉपर प्लेस माना जाएगा जहां से कि कोई भी कम्युनिकेशन की जाएगी, चाहे वो रजिस्ट्रार करेगा चाहे वो अदर पार्टीज करेगी। कोई भी कम्युनिकेशन करना है, कोई भी लेटर वगैरह सेंड करना है तो वो उसी एड्रेस पे किया जाएगा जो कि उसका परमानेंट एड्रेस होगा। अगला आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज आपने ऊपर देख लिया कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में बेसिकली क्या चर्चा होती है कि कंपनी के बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके लिए वो इनकॉर्पोरेट की गई, क्या उद्देश्य है, कंपनी क्यों बनाई जा रही है, क्या काम वो करने वाले हैं, तो वो सारी चर्चाएं किसके अंदर लिखी होती है ऑब्जेक्ट क्लॉज में। ऊपर जो नेम क्लॉज की बात आई उसके अंदर एक चीज और क्लैरिफिकेशन है नीचे कि जो IFSC कंपनी होती है जिसके बारे में हम बार बार देख रहे हैं, उस IFSC कंपनी को लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना होता, उसको IFSC लगाना होता है। अपने नाम के अंत में IFSC वर्ड यूज करेंगे ताकि उसको पहचाना जा सके कि ये कंपनी जो है ये कौन सी है, IFSC कंपनी है। नंबर वन। नंबर टू, जो ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए आया तो ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर साथ में कंडीशन आता है क्या IFSC कंपनी के लिए कि भैया उनको जो उनके जो ऑब्जेक्ट होंगे वो वही ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जिसकी उन्हें परमिशन मिल रखी है एज पर SEZ एक्ट 2005, मतलब जहां वो ऑपरेट कर रहे हैं तो उससे उनको परमिशन लेनी होती है, और वो जो उनकी एक्टिविटीज होगी, जो उनका ऑब्जेक्टिव होगा, वो उस परमिशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और इन केस उसमें और भी एक्ट अगर एप्लीकेबल होते हैं, सपोज RBI एक्ट या IRDA एक्ट या फिर SEBI एक्ट, तो उनकी परमिशन होना भी जरूरी है ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर। ठीक है, परमिशन लेटर मतलब उनके पास होना चाहिए। चलिए जी आगे आता है और क्लॉज की चर्चा। ये एमओए के बेसिकली क्या है, क्लॉजेस है जो एमओए के अंदर कंटेंट होने चाहिए उनके बारे में बात कर रहा है। आपके सवाल इसमें आ जाते हैं कि नेम क्लॉज किस चीज को डील करता है, तो आपको उसको एलेबरेट करके बताना पड़ेगा। लाइबिलिटी क्लॉज किस बारे में बात करता है, तो आपको उसको एलेबरेट करके बताना पड़ेगा। तो कुछ एक क्लॉज है जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और एक मेन सवाल है वो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स का, जो कि है ही सफिशियंट। चलिए जी, तो लाइबिलिटी क्लॉज बेसिकली क्या कहता है कि भैया जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, इसके बारे में कौन बताता है, लाइबिलिटी क्लॉज। तो आपने देखा था कि लाइबिलिटी कैसे कैसे हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स था, लिमिटेड बाय गारंटी था, अनलिमिटेड था, तो वो कैसा है स्ट्रक्चर वो बताता है हमारा लाइबिलिटी क्लॉज। तो लाइबिलिटी क्लॉज में क्या है कि पहला लिमिटेड बाय शेयर्स होता हो सकता है। लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है, ये चीज आपको पहले से पता है कि लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है, ये हमारी चर्चा पीछे हो चुकी है डेफिनेशंस वाले एरिया में, कि जो भी अमाउंट अनपेड होता है उसके लिए वो लायबल होता है, दिस इज लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है कि जिसकी उसने अंडरटेकिंग ले रखी है कि वो इतना कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी के एसेट्स में ताकि वो पे ऑफ कर सके क्या कंपनी की डेट्स या लाइबिलिटीज, या फिर जब कंपनी बंद होगी तो उसके एक्सपेंसेस वगैरह पे कर सके, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस वगैरह पे कर सके, वो सारी चीजों को कितना वो कंट्रीब्यूट करेगा उसकी अंडरटेकिंग वो पहले ले लेता है, तो उसे कहते हैं हम लिमिटेड बाय गारंटी, कि उसने गारंटी दे रखी है कि इतना वो लायबल है इस अमाउंट के लिए। ठीक है, अब अगर शेयर कैपिटल की बात करें, जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है, तो जिस कंपनी में शेयर कैपिटल है उसके अंदर ये पता होगा कि कितना अमाउंट का शेयर कैपिटल है, और उस जितना भी अमाउंट होगा उसको डिवाइड किया जाता है। ये आपने अपने अकाउंट्स में देखा हुआ है कि जो भी कंपनी होते हैं, सपोज देखा था शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो इस तरीके से उसका बाइफर्केशन होना जरूरी है कि कितने अमाउंट का एक शेयर है और कितने नंबर ऑफ शेयर है, ठीक है, जो कि सब्सक्राइबर ने ले रखा है। और एक और चीज जो है वो ऑब्वियस है यहाँ पे कि कोई भी सब्सक्राइबर जो है वो एक से कम शेयर सब्सक्राइब नहीं करेगा, मतलब कोई भी सब्सक्राइबर जो होगा उसके पास, मतलब ऐसा नहीं कोई आधा पौना शेयर ले सकता है, कम से कम एक शेयर उसके पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये ऑब्वियस कैटेगरी में ही आ गया है। ओके, देन कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, किस किस लोगों ने सब्सक्राइब कर रखे हैं, क्या क्या उसकी वैल्यूज है, इसका भी एक स्ट्रक्चर आपके मेमोरेंडम के अंदर होना चाहिए। सपोज करो कि वहां पे पांच हमारे मेंबर्स हैं, तो पांच मेंबर्स के नाम लिखे जाएंगे, पांचों ने कितने शेयर सब्सक्राइब कर रखे हैं वो लिखे जाएंगे, तो इसका एक ब्यौरा होना जरूरी है कहां पे, आपके मेमोरेंडम के अंदर। अगर ओपीसी की बात करें तो ओपीसी के बारे में आप ओपीसी वाले कंपनी के अंदर आपको नॉमिनी की जानकारी भी देना मतलब जरूरी हो जाता है।
नाउ नेम क्लॉज, नेम क्लॉज का आधा हिस्सा पीछे आ गया था जो मैंने कहा था अभी आगे भी आएगा, तो वहां पे क्या बात बताई गई कि सफिक्स क्या यूज करना है आपको, बेसिकली ये बताया गया था। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो नेम क्लॉज है, नेम क्लॉज में बेसिकली क्या होगा कि आप नेम अप्लाई करोगे, एक कंपनी जो कि नेम अप्लाई करेगी, तो जो नेम अप्लाई करेगी वो नेम जो है आपका वो शेल नॉट, अब कुछ नॉट के अंदर देखो कुछ चीजें आएंगी कि वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए या फिर रिसेम्बल नहीं करना चाहिए कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी से। मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है रिलायंस के नाम से, तो रिलायंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो वो क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिकल, मतलब बिल्कुल एज इट इज मिलता है वो नाम किसी से, तो वो नाम आपको नहीं मिलेगा। या फिर रिसेम्बल, मतलब कि उससे मिलता जुलता भी नाम होगा, आप स्पेलिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दोगे तो उसको बोलते हैं रिसेम्बल, जो कि प्रोनाउंसिएशन में उसके जैसा ही लग रहा है, बोलने में उसके जैसा ही लग रहा है, रिलायंस आप लिख रहे हो पर स्पेलिंग अलग कर दी जबकि उसको बोला रिलायंस ही जा रहा है, तो इस टाइप की चीजें रिसेम्बलिंग के अंदर कवर हो जाती है। तो वैसे नाम आपको नहीं मिलेंगे, आप जो नाम अप्लाई करोगे वो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। अच्छा फिर ऊपर देखो शेल नॉट से कंटिन्यू करना, शेल नॉट बी सच दैट इट्स यूज्ड बाय द कंपनी कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस, मतलब कि अगर आप वो नाम यूज करोगे तो वो एक तरीके से आपका ऑफेंस कहलाएगा किसी भी लॉ के अंदर। मतलब किसी भी लॉ के अंदर अगर मना किया गया कि आप ऐसा नाम नहीं रख सकते, सपोज करो कोई ऐसा नाम है जो अगेंस्ट है किसी रिलीजन के, कोई ऐसा नाम है जो अगेंस्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, या फिर सपोज कोई ऐसा नाम है जो कि रिलाई करता है किसी वॉर कंट्रीज से, तो इस टाइप के नाम जो कि ऑफेंस में काउंट हो जाते हैं तो वैसे नाम भी आप यूज नहीं करोगे। या फिर कुछ कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं अनडिजायरेबल, मतलब कुछ नाम ऐसे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि ये अनडिजायरेबल नेम है, तो वैसे नाम भी आप यूज नहीं कर सकते। अब अनडिजायरेबल के अंदर क्या आता है, तो देखो कह रहा है कि कोई भी वर्ड या एक्सप्रेशन जो कि आपकी कंपनी के नाम के अंदर है, जो कि कनेक्टेड है किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, या किसी भी लोकल अथॉरिटी से, या कोई भी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट से, तो वो नाम क्या हो जाते हैं आपके अनडिजायरेबल। ठीक है, तो ऐसे जो नाम है अनडिजायरेबल उसको आप यूज नहीं कर सकते। यूज कर सकते हो कब, जब आपको उसके लिए क्या मिल रखी हो, परमिशन मिल रखी हो, मतलब आपने उसका अप्रूवल लिया पहले कि जी मैं ऐसा नाम यूज करने जा रहा हूं, और आपके पास उसका अप्रूवल लेटर है, तो ही जाके आप उसको नाम के लिए अप्लाई कर सकते हो कि जी ये नाम का मैंने अप्रूवल लिया हुआ है इस डिपार्टमेंट से जिससे भी वो रिसेंबल करता था या जिससे भी उसके अप्रूवल की रिक्वायरमेंट थी, तो उस केस में आप यूज कर पाओगे। ठीक है, आगे कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आप यूज नहीं कर सकते बिना अप्रूवल के, वो क्या वर्ड्स है, उस वर्ड्स की बात कर रहा है, तो उस वर्ड्स में देखो क्या क्या चीजें आ जाती है, आपका बोर्ड हो गया, कमीशन, अथॉरिटी, अंडरटेकिंग, नेशनल, यूनियन, सेंट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसिडेंट, ईटीसी, तो पूरी इसकी लिस्ट है। ये कुछ एग्जांपल के तौर पर बताए गए कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बात बेसिकली क्या है कि ऐसे नाम से अगर आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लोगे तो वो इंडिकेट करेगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जैसी कंपनीज है, तो वो एक गलत फेथ लेती है पब्लिक का, तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि आप ऐसा नाम यूज करते हुए अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट ना करो जो कि गलत डायरेक्शन में पब्लिक को लेके जाए। ठीक है, करो जब आपने अप्रूवल ले रखी हो, तो फिर कंपनी को भी मतलब बेसिकली गवर्नमेंट को भी पता हो कि आप किस तरीके का काम करने जा रहे हो, और तभी आपको अप्रूवल दिया जाएगा। अच्छा, ये तो बात वो हुई जिसके लिए आपको अप्रूवल किसकी लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन अब ये कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो रिलेट करती हैं इंश्योरेंस को, बैंक को, तो जिससे रिलेटेड होगा, सपोज कोई इंश्योरेंस होगा तो आपको किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, IRDA की। बैंक से रिलेटेड कोई वर्ड होगा तो किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, RBI की। कोई स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड होगा तो किसकी लेनी पड़ेगी, SEBI की लेनी पड़ेगी। तो इस टाइप से अगर कोई भी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है उसका, तो आपको उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर उसके अंदर कोई भी ऐसा वर्ड यूज हो रहा है। वर्ड का एग्जांपल दिया गया जैसे कि इंश्योरेंस, बैंक, आपको बैंक स्टार्ट करो तो ऑब्वियसली बात आपको अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा, RBI से लेना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज, वेंचर कैपिटल, एसेट मैनेजमेंट, निधि, म्यूचुअल फंड, इस टाइप की कोई भी चीजें अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको जो भी उसका रेगुलेटरी बॉडी है उससे अप्रूवल लेने की आवश्यकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक सिंपल कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, बस क्या देखना है कि वो जो आपका कंपनी का नाम है वो आइडेंटिकल या रिसेंबल नहीं होना चाहिए किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी से जो कि उस लॉ में या फिर प्रीवियस किसी भी कंपनी लॉ के अंदर बनाई गई हो। नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहे हो तो उसके आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ सकती है या फिर किसी रेगुलेटरी बॉडी की अप्रूवल लेनी पड़ सकती है जो भी उसको डील करती है जिससे भी वो रिलेटेड है। ठीक है, चलिए फिर बात आती है रिजर्वेशन ऑफ नेम। रिजर्वेशन ऑफ नेम बेसिकली क्या है कि आप अप्लाई करोगे रिजर्वेशन के लिए, तो रिजर्वेशन का एक प्रोसीजर है जो इन्होंने नीचे हिंट में बताया हुआ है। क्या बताया है कि आपको एक वेब सर्विस है, वेब सर्विस बेसिकली क्या है कि MCA के पोर्टल पे जाओगे, वहां पे एक रन नाम का एक फॉर्म आएगा आपके पास जिसको बोलते हैं रिजर्व यूनिक नेम। रिजर्व यूनिक नेम, उस फॉर्म को आप फिल करोगे, जो भी उसकी फीस होगी वो पे करोगे और आपका वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद वो किसके पास जाएगा, आपके पास जो भी उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा, रजिस्ट्रार होगा, वो चाहे तो आपके नाम को अप्रूव भी कर सकता है, चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है, डिपेंडिंग कि आपका नाम कैसा था। अगर उसमें नाम में कुछ कमी थी या किसी अप्रूवल की जरूरत थी तो वो रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट अगर वो अप्रूव कर दिया फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट करने के बाद आपको 15 दिन की मोहलत दी जाएगी रिसबमिशन के लिए, मतलब एक बार फीस पे करने के बाद आपको एक रिसबमिशन भी मिलता है।
रिसबमिशन का मतलब क्या हुआ कि आपसे दोबारा फीस नहीं ली जाएगी, आपको उस नाम के अंदर की कमियां बताई जाएगी, उस कमियों को चेंज करते हुए आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो, और दोबारा अप्लाई करने के बाद अगर वो सही होगा तो वो अप्रूव किया जा सकता है या फिर वो दोबारा भी रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर वो दोबारा रिजेक्ट हो गया तो आपको फिर फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा, फिर रिसबमिशन नहीं होगा, मतलब कि फिर फ्रेश अप्लाई करोगे तो वहां पे दोबारा से फीस की पेमेंट जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये बेसिकली नेम एप्लीकेशन का आपका प्रोसीजर होता है जो कि रन फॉर्म के थ्रू किया जाता है। अच्छा जी, जो नेम एप्लीकेशन है ये कौन लोग करेंगे, तो दो कैटेगरी है, या तो आप कंपनी नई नई स्टार्ट कर रहे हो तो आप नए नाम के लिए आप अप्लाई करोगे, या आपकी कंपनी अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और उसको आपको नाम चेंज करना है तो नाम चेंज करने से पहले जो भी नाम आप बनाना चाहते हो उस नाम को चेक करोगे कि भैया वो नाम मिल भी सकता है नहीं मिल सकता, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी भी नाम चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकती है, और अगर किसी को नई कंपनी स्टार्ट करनी है तो ऑब्वियसली उसको तो नाम चाहिए चाहिए। अच्छा जी, आपका एक बार सपोज करो आपने अप्लाई किया और आपको नाम अप्रूव हो गया, मतलब रिजर्व हो गया आपका नाम, तो रिजर्व कितने दिन तक रहेगा। सपोज करो कि मैंने कंपनी स्टार्ट करनी थी, मैंने रन फॉर्म भरा, नाम अप्लाई किया, नाम अप्रूव होकर आ गया, अब मैं कंपनी खोल नहीं रहा, मतलब बाकी के जो फर्दर प्रोसीजर्स करने होते हैं नाम अप्लाई होने के बाद, और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होंगे जो करने पड़ेंगे जो कि हम सेक्शन 7 में पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन वाले में, तो वो सारे प्रोसीजर्स जो करने थे वो मैं नहीं कर रहा हूं अब, तो क्या वो नाम मेरे लिए पड़ा रहेगा जीवन भर? नहीं जी, उसकी भी कुछ लिमिट है। क्या लिमिट है कि एक बार अगर आपको नाम अपलॉड हो गया तो अगर आपकी फ्रेश कंपनी स्टार्ट होनी है तो उस केस में आपको 20 दिन की मोहलत दी जाती है, 20 डेज के अंदर आपको वो अपनी कंपनी का सारे प्रोसीजर फुलफिल कर लेने हैं, अदरवाइज वो नाम जो है आपका वो एक्सपायर हो जाएगा, मतलब जो आपने रिजर्व कराया था वो आपका वेस्ट हो गया। और अगर बात करें कि अगर आपको नाम चेंज करना था, एग्जिस्टिंग कंपनी से किसी और नाम में जाना था, उस पर्पस के लिए आपने नाम अप्लाई किया था, तो वो मोहलत आपको मिलती है 60 दिनों की, 60 डेज की, कि 60 डेज तक वो आपका नाम रिजर्व रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिजर्वेशन, कितने टाइम तक आपका पेंडिंग रहेगा। अगला टर्म आता है कैंसिलेशन का। कैंसिलिंग का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो आपने नाम अप्लाई कर दिया और नाम जो अप्लाई किया उसके अंदर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, गलत अप्रूवल दे दिया, कोई भी अगर गलत चीजें चली गई जिससे कि वो नाम आपका अप्लाई तो हो गया, अब उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने से पहले दो सिचुएशन आएगी। दो सिचुएशन क्या कि नाम अप्लाई हो गया था लेकिन अभी तक आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, अभी तक कोई कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, सिर्फ नाम ही आपको मिला था, आपने अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस नहीं किया था, मतलब वही 20 दिन की मोहलत से भी पीछे वाली बात चल रही है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो भी आपको नाम मिला था वो कैंसिल कर दिया जाएगा, प्लस आपके ऊपर क्या लगाई जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी कि भैया आपने गलत दस्तावेज दिए, गलत इन्फॉर्मेशन दी जिसके तहत हमने नाम दे दिया था, तो पेनल्टी लगाई जाएगी, जो कि पेनल्टी कितनी लग सकती है, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज, मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितनी जा सकती है वो 1 लाख रुपए तक जा सकती है। सपोज करो आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया था, अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया था तो उस केस में क्या होगा, कंपनी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भैया सुनो हमारी बात, ऐसा ऐसा हो गया है, अब तुम क्या करो, जो तुम्हें नाम गलती से अलॉट हो गया, जो भी दिक्कत हो गई उसके अंदर, उसको तुम चेंज कर लो, 3 महीने के अंदर जो तुम्हें गलत नाम एक अलॉट हो गया था जो कि नहीं होना चाहिए था एज पर रूल, उसको आप क्या कर लो, चेंज कर लो, उसके लिए आपको 3 महीने का टाइम देते हैं। अगर आप मान जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो उस कंपनी को स्ट्राइक ऑफ भी कर सकती है या फिर वाइंडिंग अप भी करवा सकता है रजिस्ट्रार आपका, वो सारे पावर्स उसके पास है। ठीक है, ये सब तभी करेगा जबकि कुछ ना कुछ आपने गलत या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी जब आपने नाम लिया था तब। ठीक है, तो दो चीजें आ गई कि अगर इनकॉर्पोरेट हो गया है तो क्या प्रोसीजर है और इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है तो क्या प्रोसीजर है। साथ में सर्कुलर के अंदर क्या बता रहा है कि भैया जो बंदा ये नाम अलॉट कर रहा है, मतलब जो डिपार्टमेंट का बंदा है रजिस्ट्रार जो है, उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि भैया किस टाइप के नाम अलॉट करने हैं, कौन से नाम आप अलॉट नहीं कर सकते, कौन से के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए एक आपका एक्ट होता है, एम्ब्लेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, मतलब कि किसी के भी नाम जो पहले से रजिस्टर्ड है या किसी का ट्रेडमार्क ऑलरेडी है, किसी ने उसका कॉपीराइट करवा रखा है, तो उस टाइप के नाम आप किसी और को अलॉट नहीं करोगे। तो इसके बारे में पूरी फैमिलियर होना चाहिए, पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए किसके पास, उस कंसर्न पर्सन के पास जो कि उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि वो नाम को अलॉट कर रहा है। ठीक है, चलिए देन अगला आता है आपका डोमिसाइल क्लॉज। डोमिसाइल क्लॉज बेसिकली स्टेट के बारे में बात करता है, ये पीछे भी आया था कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है कि जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसको परमानेंट एड्रेस कहते हैं, तो वो कौन सी स्टेट में होगा उसकी आपको जानकारी देनी होती है डोमिसाइल क्लॉज के अंदर। ऑब्जेक्ट क्लॉज आता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब वही होता है कि किस पर्पस के लिए आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, कई बार रिपीट हो गया इतने ही कंटेंट के अंदर। नाउ जो आपका मेन पॉइंट आता है वो ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर ही कवर होता है, विच इज क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस क्या है, तो इसको शुरू करने से पहले दो टर्म को समझो, एक होता है अल्ट्रावायरस, एक होता है इंट्रावायरस। अल्ट्रावायरस का मतलब क्या होता है, जो कि एमओए के बियॉन्ड चला गया, जो एमओए के अंदर कंटेंट था, जो पावर्स थी उसकी, जो ऑब्जेक्ट्स थे उसके बियॉन्ड चला गया। और इंट्रावायरस क्या होता है, जो कि डायरेक्टर्स के पावर के बियॉन्ड गया है लेकिन एमओए के विदिन है, डायरेक्टर्स के बियॉन्ड गया है लेकिन एमओए के विदिन है। तो अगर कोई भी एक्ट ऐसा है जो कि एमओए के पावर्स के बियॉन्ड चला गया तो वो रेटिफाई नहीं हो सकता। रेटिफाई का मतलब कि उसको तोड़ मरोड़ के ठीक कर लेना,
शेयर होल्डर सारे मान जाए कि चलो जी कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं चलने दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो वो रेटिफिकेशन आप किसको कर सकते हो? इंट्रावायर्स को कर सकते हो। इंट्रावायर्स मतलब डायरेक्टर ने कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर दी जो कि बियॉन्ड उसके पावर थी, तो शेयर होल्डर अगर चाहेंगे तो वो एग्री करके उसको रेटिफाई कर सकते हैं कि चलो ये एक्टिविटी हो गई, ऑल्दो हमें से कोई नुकसान नहीं है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो चलो हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, तो विच इज इंट्रावायर्स। बट अल्ट्रावायर्स क्या होगा? जो कि मेमोरेंडम के बियॉन्ड चला गया, जिसको कि शेयर होल्डर भी रेटिफाई नहीं कर सकते, वो तो आपका अल्ट्रावायर्स हो ही गया, वो तो अवॉइड हो गई होगा, शेयर होल्डर भी चाह के उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। तो ये दो टर्म आपको क्लियर रखनी है माइंड में, इसकी चर्चा अच्छे से होगी यहाँ पे। तो क्या कहता है कि वो सारी एक्टिविटीज या वो सारी चीजें जो कि आपके मेमोरेंडम के अंदर नहीं थी, उसके बियॉन्ड या फिर उसके अंदर प्रोहिबिटेड था, उसके अंदर बियॉन्ड जाके आपने कोई काम किया, तो उसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स। जो कंपनी है वैसी एक्टिविटीज को बेसिकली क्या हो गया, अल्ट्रावायर्स हो गया तो वो वॉइड हो गया, वॉइड हो गया तो क्या होगा कि जो आपकी कंपनी थी या फिर जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी थी जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ना वो पार्टी आप पे केस कर सकती है, ना आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसको वैलिड नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद क्या कह रहा है कि जनरल रूल क्या होता है, एक जनरल रूल क्या है कि भैया जो अल्ट्रावायर्स हो जाएगा कंपनी के, अल्ट्रावायर्स दी कंपनी इज इनकैपेबल ऑफ रेटिफिकेशन। जो मैंने आपको बताया कि अगर अल्ट्रावायर्स हो गया कंपनी के तो वो आपका रेटिफाई नहीं हो सकता, लेकिन एक्ट विच इज इंट्रावायर्स, कोई ऐसा एक्ट जो कि इंट्रावायर्स है, मतलब कि आउटसाइड दी अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की अथॉरिटी के आउटसाइड था और वो काम उसने कर दिया, तो वो इंट्रावायर कहलाएगा और विच कैन बी या विच मे बी रेटिफाइड, जिसको कि रेटिफाई किया जा सकता है अगर सारे शेयर होल्डर्स चाहे तो। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इफ द एक्ट इज अल्ट्रावायर्स, मतलब विदाउट द बियॉन्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ओनली, अल्ट्रावायर्स है लेकिन क्या, जो बियॉन्ड द पावर से किसका, डायरेक्टर का, तो क्या हो सकता है उसके अंदर शेयर होल्डर्स को रेटिफाई कर सकते हैं। इफ द आर्टिकल, सॉरी, इफ द अल्ट्रावायर्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द कंपनी कैन अल्टर इट्स एओए इन प्रॉपर वे। दूसरी चीज, एक एओए की बात कर दी इसने यहाँ पे जिसका जिक्र नहीं होना चाहिए, तो सिर्फ हम बात किसकी कर रहे हैं, एमओए। कह रहा है अगर सपोज एओए के कोई अल्ट्रावायर है तो वो भी आपका नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। एओए क्या होता है, आपकी इंटरनल बेसिकली मैटर्स हैं, तो उसको भी शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, आपके रेटिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस वगैरह करके उसको चाहे तो मेक गुड किया जा सकता है, चाहे तो उसको सही बनाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या है, ये क्या है, ये रूल बेसिकली क्या करता है, ये रूल क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है शेयर होल्डर को, क्रेडिटर को। शेयर होल्डर क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो जो कंपनी के अंदर मेजर एक्टिविटीज कर रहा होता है वो कौन कर रहा होता है, वो कर रहे होते हैं आपके डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स ने कोई ऐसी एक्टिविटी कर ली या सामने वाले बंदे ने कोई ऐसी एक्टिविटी कंपनी के साथ कर ली जो कि बियॉन्ड एमओए था, एमओए के ऊपर साइनिंग वगैरह किसने किए हुए, शेयर होल्डर्स ने किए हुए, पैसा किसका लगा है, शेयर होल्डर्स का लगा या फिर क्रेडिटर्स का लगा है, जो कि उधार वाले हैं, डेट होल्डर्स का लगा है। तो उस केस में अगर कंपनी कोई ऐसी जगह पे फंस जाती है जिसके लिए उसको कल को डैमेज भुगतना पड़े और जो कि उसके एमओए के था ही नहीं, एमओए के अस्तित्व में वो प्रेजेंट ही नहीं था, तो उस केस में बेकार में नुकसान उठाएंगे शेयर होल्डर। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है ये उनको प्रोटेक्ट करता है कि भैया चलो जी आपकी कंपनी में जो काम होगा, डायरेक्टर जो भी काम को करेंगे वो विद इन दी एमओए परमिटेड, जितना भी एमओए ने परमिशन दिया है उसके अंदर ही करेंगे, उसके बियॉन्ड जाके करेंगे तो कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी, कंपनी लायबल नहीं होगी तो शेयर होल्डर के पैसे में नुकसान नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, शेयर होल्डर या फिर क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे कह रहा है कि जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, ये सबसे पहले कहां आया था, तो ये सबसे पहले इसका जिक्र किया गया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन अ क्लासिक केस, कोई केस स्टडी आप जहां पे चर्चा की गई है, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। तो इस केस के तहत थोड़ा और समझने की कोशिश करो, ऑल्दो वैसे समझ में आ गया होगा। क्या कह रहे हैं कि यहां पे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और उसके ऑब्जेक्ट में देखो क्या लिखा गया था, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच द कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड आर टू मेक और सेल और लैंड और हायर रेलवे प्लांट्स टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, किसका बिजनेस करेंगे, मैकेनिकल बिजनेस करेंगे इंजीनियर्स का, एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, और उससे रिलेटेड कुछ जनरल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो भी किए जाएंगे। अब कंपनी क्या करती है, वो एंटर करती है किसी और कंपनी के साथ जिसका नाम है रिची, उसे कॉन्ट्रैक्ट करती है फाइनेंस करने का, कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने का। बाद में कंपनी क्या करती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देती है ये कहते हुए कि ये तो अल्ट्रावायर्स था, ये तो हमारी पावर में नहीं था, फाइनेंस तो हमारे, फाइनेंस कंस्ट्रक्शन को करना तो हमारा ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो जो सामने वाली कंपनी है रिच, वो क्या करती है, डैमेज क्लेम करती है, ये कहती है कि भैया आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, और जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो वर्ड था आपके एमओए के अंदर, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, वो आपका फाइनेंस को कवर करता है, तो इसलिए अब आप लायबल हो डैमेजेस के लिए जो आपके फायर्स के अंदर है, और कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई किया जा सकता है, शेयर होल्डर चाहे तो इसको रेटिफाई कर सकते हैं। अब जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उन्होंने क्या फैसला सुनाया कि भैया अल्ट्रावायर्स जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपका नल एंड वॉइड होता है। ठीक है, और जो वहां पे जनरल कॉन्ट्रैक्टर एक वर्ड यूज किया गया है, वो जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो वर्ड है वो क्या है, इंसिडेंटल है। इंसिडेंटल का मतलब कि वो मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड जनरल कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर के अलावा कोई जनरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। आप जनरल कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे इंटरप्रेट नहीं कर सकते कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना,
जनरल कॉन्ट्रैक्ट विच आर इंसिडेंटल टू मेन कॉन्ट्रैक्ट विच इज मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो उससे रिलेटेड होगा तो ही किया जा सकता है। फिर दूसरी बात क्या कही गई कि भैया जब ये बियॉन्ड एमओए चला गया तो जो हमारे शेयर होल्डर हैं वो चाहे भी तो इसको रेटिफाई नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अल्ट्रा वायर, तो इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, आपका नल एंड वॉइड माना जाएगा और कोई भी डैमेजेस क्लेम नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बात ये कहता है किसकी, आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का आपको रूल पता होना चाहिए, ये वाला केस स्टडी आपको रेलवे का पता होना चाहिए, दिस इज वेल इनफ फॉर योर आंसर। नाउ अगला आता है आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज बेसिकली क्या बात करता है कि किन किन लोगों ने कितना कितना सब्सक्राइब किया हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन भी जाएगी आपके रजिस्टर के पास कि किन किन लोगों ने आपके शेयर्स को या जो भी उसके मेंबर बने जिन्होंने उसको सब्सक्राइब किया, तो उन सब्सक्राइबर्स की डिटेल्ड विद साइनिंग उनके पास फाइल की जाएगी, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। फिर अगली बात करता है फॉर्म्स एंड शेड्यूल्स रिलेटेड टू मेमोरेंडम। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब ये वाला हमारा सेक्शन शुरू हुआ था कि आपके पास शेड्यूल वन के अंदर 10 टेबल्स दिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा होगी। 10 टेबल में से जो 5 टेबल्स हैं वो किसके हैं, मेमोरेंडम के, और जो 5 टेबल है वो किसके हैं, आपके आर्टिकल्स के। तो उन 10ों की यहाँ पे चर्चा इन्होंने एक साथ कर दी है, ऑल्दो आर्टिकल वाला आर्टिकल में डील करना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले कहता है, तो मैंने आपको 5 बातें क्या बताई थी, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स होगा या लिमिटेड बाय गारंटी होगा। गारंटी होगा तो 2 बातें होंगी, विद कैपिटल विदाउट कैपिटल। अनलिमिटेड होगा तो भी 2 बातें होंगी, विद कैपिटल या विदाउट कैपिटल। तो इस तरीके से टोटल 5 बातें होती है। तो उन 5 बातों के जिक्र है ए बी सी डी ई के अंदर एमओए का, और उसके बाद ई के बाद एफ जी एच आई जे के अंदर एओए का। तो 5-5 बातों को कैटेगराइज किया गया है 10 टेबल के अंदर। सबसे पहली बात करता है एमओए लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी बात करता है लिमिटेड बाय गारंटी नॉट विद शेयर कैपिटल, अगली बात करता है लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, फिर डी में कहता है आपका अनलिमिटेड अगेन नॉट शेयर कैपिटल, और फिर कहता है अनलिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये 5 बातें बता रही है मेमोरेंडम की। फिर शुरू होता है आपका आर्टिकल, इसमें पहले लिमिटेड बाय शेयर्स, फिर लिमिटेड बाय गारंटी विद कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट कैपिटल, अनलिमिटेड विद कैपिटल, और अनलिमिटेड विदाउट कैपिटल। इस तरीके से इन 10 को डील किया गया है। इसको याद करने आपके लिए जरूरी है, और याद किस तरीके से कर सकते हो, तो शेयर से शुरू हुआ था पहले, फिर आपका लिमिटेड बाय गारंटी जो पहले जिक्र हुआ एमओए के अंदर उसमें हुआ नॉट वाला, तो आपको एक याद होगा तो उसके फ्लो में आप याद कर लोगे, मतलब नॉट गारंटी, उसके बाद गारंटी जिसमें शेयर कैपिटल होगा, अनलिमिटेड, फिर अगेन नॉट वाला, फिर अनलिमिटेड विद वाला। ठीक है, तो इस तरीके से इस फ्लो में, और इसके अंदर उसका अपोजिट हुआ है, लिमिटेड बाय शेयर्स तो पहले आएगा ही, फिर गारंटी इसके अंदर पहले नॉट वाला नहीं आया, पहले आपका विद शेयर कैपिटल का आया, फिर गारंटी आया विदाउट शेयर कैपिटल का। इस फ्लो में आप इसको याद कर सकते हो, बेसिकली 10 शेड्यूल्स और कुछ खास नहीं। अगला कहता है कि ये जो 11th पॉइंट है, नहीं चलो ये फिलहाल आपके लिए कोई खास नहीं है। बेसिकली क्या कह रहा है कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखे होंगे, जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं होगी, तो वो लोग बेसिकली प्रॉफिट को, जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लायबल, मतलब उसको हकदार नहीं होते। तो ऐसा ज्यादा रेलेवेंट पॉइंट नहीं है ये। तो ये बेसिकली कुछ चर्चाएं थी आपके मेमोरेंडम के ऊपर। जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया था वो किसका था, आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का। सारे क्लॉज याद करने, क्लॉज के अंदर आपका नेम क्लॉज इंपॉर्टेंट है, लायबिलिटी क्लॉज इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर लिमिटेड बाय शेयर्स गारंटी की बातें होती है, ये 2 क्लॉज इंपॉर्टेंट है, और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये 3 ऐसे एरिया है जिसके ऊपर आपके सवाल बनते हैं इजिली। चलिए जी, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 4 विच इज ऑन एमओए। अगले बात करेंगे सेक्शन नंबर 5 विच इज ऑन एओए। ठीक है।